आइडिया वीडियो आंगनवाड़ी के बच्चों की माताओं के लिए। नमस्ते, आज की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आशा है आपको पिछले हफ्ते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। पिछले हफ्ते की वर्कशीट तथा महिलाओं का स्वास्थ्य, इस वीडियो पर आपके अनुभव जरूर बताएं। अब साथ लाई हुई वर्कशीट हाथ में पकड़कर फोटो खींचते हैं। फोटो प्रथम के प्रतिनिधि को भेजते हैं। तब तक यह वीडियो पॉज करते हैं। हमारी इस गतिविधि का नाम है करके देखते हैं। चलिए सभी गोले में बैठते हैं। मोबाइल पर एक खेल खेलते हैं। मोबाइल पर कुछ वस्तुओं के चित्र कुछ पल के लिए दिखाई देंगे। प्रत्येक माता को वह चित्र ध्यान से देखकर याद करके उनके नाम बताने हैं। पूरी होने तक वीडियो पॉज करें। आशा है यह गतिविधि सभी माताओं ने आनंद के साथ की होगी। अब आगे की गतिविधि देखते हैं, जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं। महिलाएं अपने स्वास्थ्य को हमेशा अनदेखा करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग करना जरूरी है। योग से पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याएं जैसे कमर दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द इत्यादि से आराम मिल सकता है। साथ ही कई अन्य फायदे भी होते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते दोस्तों, क्या आपको मालूम है योग शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। इससे शरीर को बल मिलता है और मानसिक एकाग्रता में भी मदद मिलती है। महिलाओं में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत दिलाने के लिए योग बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि किन किन योगासनों से महिलाओं को क्या क्या फायदे मिलते हैं। इस आसन का नाम है प्राणायाम। इसे करने के लिए आपको सबसे पहले सुखासन या पद्मासन में बैठना है। इसके बाद अपने हाथों को सीधे घुटने पर रखना है। अब आपको लंबी सांस लेनी है और कुछ समय के लिए रोकने के बाद ओम शब्द का उच्चारण करते हुए इसको छोड़ना है। ऐसा आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। आसन से लाभ। इस आसन से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और तनाव से राहत मिलेगी। इससे आप अपने ज्ञान चक्र को जागृत करने में सफल हो सकते हैं। प्राणायाम करने से आप सोचने व समझने की क्षमता में इजाफा होता है। आइए हम सब ये आसन करके देखते हैं। तब तक के लिए यहाँ वीडियो पॉज करते हैं। अगला आसन है कपालभाति। कपालभाति को करने से काफी लाभ मिलता है। इस आसन को करने के लिए आपको प्राणायाम के आसन में ही बैठना है। इसके बाद आपको संतुलित गति से सांस को भरना है और छोड़ना है। इस क्रिया को आप अपनी क्षमता अनुसार करती हैं। ध्यान रहे सांस लेने व छोड़ने की गति अधिक तेज ना हो, दोनों में संतुलन बना रहे। आसन से लाभ। ये आसन महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद है। इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, महावारी की समस्या से राहत मिलती है, गर्भाशय की गांठों के लिए भी असरदार साबित होता है। आइए हम सब ये आसन करके देखते हैं। तब तक के लिए यहाँ वीडियो पॉज करते हैं। अगला आसन है उत्तनासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। इसके बाद सांस लें और नीचे की ओर जाएं। अब आप अपने हाथों को अपनी पिंडलियों पर ले जाएं। अब अपने सीने को घुटनों से सटाने की कोशिश करें। कुछ समय के लिए स्थिति में बने रहें। इस दौरान आपको संतुलित रूप से सांस लेते रहना है। इस आसन को आप
8 से 10 बार दोहराएं। आसन से लाभ। इस आसन से पेट और कमर के आसपास की बढ़ी हुई चर्बी कम हो जाती है। इससे बॉडी सही शेप में आती है। यह आसन कंधे और हाथों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। आइए हम सब ये आसन करके देखते हैं। तब तक के लिए यहाँ वीडियो पॉज करते हैं। आशा है इस वीडियो से आपको लाभ होगा। अपने अनुभव हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है कि इस वीडियो का फायदा आपको जरूर होगा। चलिए अब आगे की गतिविधि देखते हैं, जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से कराएं। बच्चों को खरगोश को रास्ता दिखाने वाली वर्कशीट कागज पर बना कर दें। बच्चे को वर्कशीट पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करें। उसमें रंग भरने को कहें। जरूरत पड़ने पर बच्चे की मदद करें। वर्कशीट पूरी करने के बाद अगले हफ्ते वर्कशीट साथ लेकर आएं। क्या बच्चे ने यह वर्कशीट करने में आनंद लिया? यह अनुभव हमारे साथ अवश्य साझा करें। आज की गतिविधियां यहां पर समाप्त हो रही हैं। ऐसे ही और नई जानकारियों और गतिविधियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना व बच्चों का ख्याल रखें। धन्यवाद।